नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं सीएसजीवी न्यूज। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के मेन कैंपस और उससे संबद्ध कॉलेजों में यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में स्नातक परास्नातक समेत अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं विधिवत शुरू हो गई। सुबह की पाली में अंग्रेजी, पत्रकारिता समेत कई विषयों की परीक्षा सम्पन्न हुई। परीक्षा के बाद बहुसंख्यक छात्रों ने अपना पेपर अच्छा बताया तो कई छात्र कठिन पेपर से परेशान भी दिखे। पहले दिन की परीक्षा पर पेश है खास रिपोर्ट। सुबह 8 बजते ही पहले दिन की परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा के बाद अधिकतर छात्र इंतजामों से संतुष्ट नजर आए, अपना पेपर अच्छा होने पर खुश भी दिखाई दिए। हालांकि कई छात्र पेपर अच्छा ना होने से नाखुश भी नजर आए। अच्छी गई, कोरोना की वजह से हम लोग का इतना ज्यादा मोटिवेशन था, एकदम डाउन गया था, बट उस हिसाब से अच्छा। क्वेश्चन पेपर भी इजी था, बट एक चीज की प्रॉब्लम आई जिसमें कि हमारा जो भी डिटेल्स भरनी थी वो बहुत ही लेंथी था। काफी अच्छा रहा एग्जाम, एग्जाम काफी अच्छा रहा। तैयारी किस तरीके से? तैयारी भी ठीक ही थी, ऑफलाइन क्लासेस हुई हैं, कुछ ऑनलाइन भी हुई हैं, उसमें कुछ दिक्कतें भी आई हैं, बट अभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन हुई है उसमें काफी अच्छा भी रहा है। छात्रों को किसी तरह की असुविधा ना हो और परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए थे। पहले दिन स्टूडेंट फ्रेंडली वातावरण में परीक्षा संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएसजीएमयू न्यूज, कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और इससे संबद्ध कॉलेजों में स्नातक परास्नातक समेत अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हुई। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहली बार स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में शुचिता कायम रखने के लिए थर्ड आई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो नई शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के तहत सेमेस्टर परीक्षाएं करवा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये परीक्षाएं 3 पालियों में संचालित करवाई जा रही हैं। इन परीक्षाओं में शुचिता कायम रहे इसके लिए यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा से बेहतरीन मानव प्रबंधन के साथ तकनीक का भी शानदार उपयोग किया जा रहा है। परीक्षाओं के दौरान मुख्य कैंपस समेत सभी संबद्ध महाविद्यालयों पर तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है। नकल विहीन परीक्षाओं के लिए थर्ड आई का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर मॉनिटरिंग सेल में शिक्षक और कर्मचारी लगातार कार्य कर रहे हैं। ये ऑनलाइन व्यवस्था जो पिछले साल हम लोगों ने प्रारंभ की थी प्रयोगात्मक रूप से, इस बार हमने उसको और तेजी से लागू किया है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि NUP के अनुसार हम पहली बार प्रथम सेमेस्टर की और परीक्षा कराने जा रहे हैं, तो उस परीक्षा में ऑनलाइन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी थी। और हमने सभी 57 कॉलेज जो आज परीक्षा दे रहे हैं उनमें हमने ऑनलाइन मॉनिटरिंग से देखा कि सभी बच्चे ठीक से उनका सीटिंग प्लान है, और एक आध जगहों पर जहां पर इसकी व्यवस्था पाई गई हम लोगों ने तुरंत उसको दुरुस्त किया है। और पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, बिल्कुल परीक्षाएँ सुचितापूर्ण और पवित्रतापूर्ण हो रही हैं, नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा भी हमने सचल दल भी कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल के नेतृत्व में भेजे हैं, और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां NUP पर आधारित पहली बार परीक्षा हो रही है और पूर्णतः शुचिता और पवित्रतापूर्ण परीक्षा। शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। यहाँ पे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है, जितने भी परीक्षा केंद्र है सारे के सारे सिस्टम मैनेजर जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय के, उन्होंने सारे लिंक कर दिए हैं और मॉनिटरिंग प्रॉपर चल रही है। विश्वविद्यालय का प्रयास है कि नकल विहीन परीक्षाएं संपादित की जाए। इस समय 57 केंद्रों में परीक्षाएं चल रही हैं सेशन में, तो चूँकि 3 शिफ्टों में एग्जामिनेशन चल रहे हैं विश्वविद्यालय के, तो तीनों शिफ्टों की निगरानी विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कंप्यूटर सेंटर के द्वारा की जाए। इन परीक्षाओं के लिए 10 जिलों में 242 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 40 अनुदानित, 12 राजकीय तथा 190 स्ववित्त पोषित कॉलेज है। इन सभी केंद्रों की निगरानी
विश्वविद्यालय के सेंट्रलाइज्ड सीसीटीवी मॉनिटरिंग के जरिए की जा रही है, जिससे कॉलेजों में एक स्वस्थ माहौल के साथ नकल विहीन परीक्षाएं हो सकें। मॉनिटरिंग के दौरान यदि किसी भी परीक्षा केंद्र में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसी समय की वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर तत्काल कार्रवाई भी करने की व्यवस्था बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, CSGMU न्यूज, कानपुर। अधिकतर छात्रों को एग्जाम फोबिया होता है, इसी के कारण परीक्षाओं से पहले छात्र बेहद तनाव में रहते हैं। इस फोबिया को खत्म करने, छात्र छात्राओं के मानसिक तनाव चिंता को कम करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति की प्रेरणा से विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस ने यूनिवर्सिटी एट स्कूल अभियान शुरू किया। यह अभियान कानपुर नगर के प्रतिष्ठित जय नारायण इंटर कॉलेज से शुरू किया गया था। इसकी अगली कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय कानपुर में यूनिवर्सिटी एट स्कूल कार्यक्रम किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी एट स्कूल्स अभियान में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए निदेशक डॉक्टर संदीप सिंह और विभाग के अन्य शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, मिशन उद्देश्य से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई। डॉक्टर संदीप कुमार सिंह ने स्टोरी के माध्यम से छात्र छात्राओं को कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड और सकारात्मक तथा नकारात्मक मनोवृत्ति के विषय में बताया। विश्वविद्यालय के मिशन और विजन के बारे में डॉक्टर पूजा सिंह ने व्याख्यान दिया। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने छात्र छात्राओं में बढ़ रहे स्ट्रेस और एंजाइटी के समाधान के लिए छात्रों को अभ्यास कराया और बैलेंस माइंड तथा इमोशनल माइंड के विषय में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही परीक्षाओं में कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें पर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर दिया। कार्यक्रम में इंटरमीडिएट के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, CSGMU न्यूज, कानपुर।